ना, लिखने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति एक्सप्रेस कर रहा है, व्यक्ति अपनी इमोशंस को जगह दे रहा है, क्योंकि जब लिखते हो तो आप एक्सप्रेस करते हो, इमोशनल होते हो, इमोशंस को बाहर निकालते हो, और लिखना मतलब कमिटमेंट भी होता है। इसलिए देखो, आपको कोई बोल दे कि मेरे को लिख के दे दो, आप बोलते रुको रुको मुझको पहले सोचने दो। बातें करने के लिए बातें कोई भी करेगा, लेकिन आपने लिख के मांगा कि बता मेरे को ये सही है क्या, तो दैट पर्सन विल से लेट मी थिंक, क्योंकि लिखना मतलब ये साइको न्यूरो मस्कुलर एक्टिविटी है, ये कमिटमेंट है। इसीलिए जो लोग लिखते कम है, कम लिखते हैं और कंप्यूटर का ज्यादा यूज करते हैं, ऐसे लोगों का कमिटमेंट का लेवल भी कम होता है। इसीलिए ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में ज्यादा जाते हैं, इसीलिए उनके अफेयर्स इजीली होते हैं, और इसीलिए इनके इधर के डायवोर्सेस के जो ये प्रमाण है वो बहुत ज्यादा है। देयर लेवल ऑफ कमिटमेंट बिकम्स लेस द मोमेंट यू डोंट राइट मच। इसलिए आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि हर रोज आपने कम से कम 4 लाइनें तो लिखनी ही चाहिए, ताकि आपका कमिटमेंट का जो लेवल है वो बढ़ जाए और आपकी रिलेशनशिप में सुधार हो। जैसे रोमिता जी इज वेरी वेरी इमोशनल पर्सन, वेरी अटैच पर्सन और वेरी कमिटेड पर्सन। क्यों? क्योंकि वो लिखती बहुत है। Am I right or wrong, रोमिता? You tell me. तो जिसकी जो कोई भी इंसान लिखता है इतना ज्यादा, वो दिल से बहुत थैंक कमिटेड यू, रहता है। इट्स ट्रू, आई एम वेरी कमिटेड एंड वेरी इमोशनल। मैंने अपने हस्बैंड को जितनी लेटर्स लिखी बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज, मैं जब हम लोग जब काम भी करते थे तो घर में साथ में काम करते थे, बट वी यूज टू राइट मेल्स टू ईच अदर, आई यूज टू राइट नोट्स टू हिम एंड लीव इट फॉर हिम, यू नो, या दैट इज व्हाट तो यू नो लिख के कमिटमेंट। एक्सप्रेस करने में ज्यादा मजा आता है। अच्छा, या मेरा या दूसरा सवाल, जी मेरा दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हम लोग क्योंकि वर्ड में लिखने की आदत पड़ गई है, मेल लिखते हैं, ये सब करते हैं, तो ये सब अपने आप राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन इज टेकन केयर ऑफ। तो अभी आदत पड़ गई है, प्रोफेशनलिज्म इतना हो गया है कि अगर हमें हैंड रिटन लेटर लिखनी है, चाहे बैंक को, चाहे अपने हस्बैंड को, चाहे बेटे को, तो हम क्या करेंगे कि वापस से आई बी वेरी केयरफुल कि ऊपर का मार्जिन, लेफ्ट का मार्जिन, राइट का मार्जिन, ऐसा होता नीचे नहीं है। का आप मार्जिन, इतने सारे सैंपल देख लो, ऐसा कोई इतने सारे सैंपल हमने देखे, ऐसा कुछ किया है किसी ने? ऐसा नहीं होता है। कि हम अगर करते हैं ना, हम करते हैं, हाँ, इसीलिए हम पूछ रहे हैं आपसे। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप अटेंशन सीकर बन जाओगे, फिर अच्छा, आपको, हाँ फिर आपको, आपका डर भी नहीं बढ़ बट जाएगा। डजंट इट ऑल्सो मीन कि आई एम वेरी नीट एंड टाइडी नहीं देखिए, एंड मेरी एक सिंपल बात कंडीशनिंग समझाता हूँ होती है वो वर्ड फाइल की कि आपको, समझाता हूँ। देखो प्रिंटेड आप, फॉर्मेट में। हाँ कैन आई हाँ स्पीक? ओके जी नाउ, जी आपके क्लास में कितने बच्चे थे? 60-70 रहेंगे, 40-50 रहेंगे जब आप पढ़ते थे? हाँ, हाँ तो सभी के जी सामने मैडम ने तो ए जो है लिखा, ए लिखा, लेकिन सबका ए अलग है, सबका डी अलग है, सबका बी अलग है। क्यों? क्योंकि वैसा प्रोग्राम ही हो गया। तो जिसको मैडम की लिखावट अच्छी लगी, उसकी लिखावट मैडम की जैसी होगी। तो जो चीजें आपको अच्छी लगेगी, इसका मतलब वो आपके माइंड को पसंद है, मतलब आपका माइंड उस तरह का है, इसीलिए आपके राइटिंग में वो आती है। तो आपने लिखा, आपको वो कंप्यूटर का लिखा हुआ अच्छा लगता है, इसका मतलब आप वैसे हो। एज सिंपल एज, आपका नेचर वैसा है। आपको रिस्क लेना पसंद नहीं है, फिर ज्यादा ज्यादा रिस्क नहीं लोगे, संभल के काम करोगे, थोड़ा सा सोच समझ के काम करोगे। जो बहुत सोचते हैं समझ के काम करते हैं, वो भी कम रिस्क लेते हैं। सो दैट मीन दैट मीन। अच्छा कौशिक जी, आपका क्वेश्चन, कृतिका, कृतिका जी बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आई वॉन्ट टू आस्क, जो कॉर्नर्स पे लिखते हैं या कहीं पे भी रैंडमली लिख लेते हैं लोग, तो यू टोल्ड कि अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, सो वॉट इफ अगर पूरा पेज भरेंगे तो, पूरा सिर्फ एक पेज जगह पे भरेंगे, कॉर्नर में भरेंगे तो अपॉर्चुनिस्टिक नहीं होते? सो सिर्फ सिर्फ स्क्रिबलिंग हाँ, तो स्क्रिबलिंग आप क्लिविंग करते हो, कॉर्नर पे लिखते हो आप हमेशा, कॉर्नर वर्नर क्लिविंग नॉट करते हो? ऑलवेज बट मतलब व्हेन नॉट दैट माइंडफुल, बट ऐसे ही रैंडमली कभी स्क्रिबलिंग, ड्राइंग, इस टाइप से कुछ भी आपने कर कभी रहे। ऐश्वर्या राय को मनमोहन सिंह बनाया, या मनमोहन सिंह के कान में बाली पहना है, ऐसा कुछ किया है? नहीं, मूछे बनाई है ऋतिक रोशन को, ऐसे पेपर पे जब आता है ना, पेपर वो पेपर नहीं किया, बट हाँ मतलब आई डू रैंडम स्क्रिबलिंग एंड ड्राइंग्स, मतलब जनरली स्टार्स, फ्लावर्स और ये पैटर्न जो है कितने मैं ऐसे लोग करती है, हाँ स्टार पावर करते हो, मैं बताता हूँ आपको, कितने लोग है जो ए और ए को, ए और ओज को फिल कर देते हैं, आप में से टाइम्स ऑफ इंडिया का वो फिल करते बैठते हैं, जैसे श्वेता जी करती है। ठीक है, श्वेता जी को अनम्यूट करते हैं, संजय जी को भी अनम्यूट करते हैं, ना इनके बारे में बहुत सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, अर्चना भी करती है, लेकिन अर्चना जी का मेरा नाम नहीं दिख रहा मेरे को। ठीक है, तो ये सभी लोग जो ऐसा करते हैं, इंक्लूडिंग यू कृतिका, कृतिका का थोड़ा अलग एनालिसिस है। तो यहाँ पे पहली बात तो, आपकी दोनों की मम्मी वॉज अ गुड कुक, मतलब इज भी हो सकता है, इज अ गुड कुक, हाँ यस आर हाँ नो? शी ठीक है, इज गुड कुक।
देन आपको हमेशा अपने घर में जो बेडशीट चाहिए, पर्दे चाहिए, इनका फील बड़ा अच्छा चाहिए. यू वॉन्ट टू हैव गुड फील रिगार्डिंग दिस थिंग, नो फील अच्छा चाहिए. True. ठीक है. देन यू ऑलवेज वॉन्टेड टू चेंज समथिंग इन योर स्कूल. हो सकता है बिल्डिंग, हो सकता है टीचर, हो सकता है प्रिंसिपल. व्हाट डू यू वॉन्टेड टू चेंज? क्या चेंज करना? नॉट इन स्कूल एग्जैक्टली, कॉलेज में भी हो सकता है. दे वॉन्टेड टू चेंज समथिंग. हाँ यस, मे बी दी एनवायरमेंट चेंज, एवरीथिंग. जी संजय जी, तो एवरीथिंग. अब ये इसका एनालिसिस, जो भी लोग ये ऐसा बनाते, उनकी मम्मी अच्छा बनाती, ये भी फूडी होते हैं, इनको खाना पीना टेस्टी फूड इनको बहुत चाहिए. मतलब दे आर फूडी नेचर एंड दे देमसेल्फ विल बी अ गुड कुक एज वेल. अगर ये खुद भी बनाएंगे तो ये अच्छा ही बनाएंगे. ठीक है कृतिका जी, आपके केस में आप जो है आप आउट परफॉर्म करना चाहती हो, आपका परफॉर्मेंस आप अच्छा देना चाहती हो. यू वॉन्ट टू हैव अ रिकॉग्निशन फॉर डूइंग अ गुड वर्क. दैट इज वॉट यू आर स्क्रिबलिंग सेज. Okay. आपको yes or no? अरे thank you. Yeah, I do look forward for out of form. हाँ, recognition is something you will always crave for. Yeah. Yes, Shweta जी, क्या आपका question है? Last question. Sir, जब हमने margins करी थी blank page पे left right, तो right के time पे आपने बोला था कि it basically shows risks, opportunities या confidence, and साथ में आपने बोला था children and future भी. तो children and future कैसे correspond होते हैं इससे?